हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स मॉड्यूल स्टार्ट करने की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन में हमने क्या क्या पढ़ा। पाइथन, अब मैंने आपको बताया कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर डिपेंडेंट है, यानी इजी टू कॉन्फिगर है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, फिर आपका प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम क्या होता है, कैसे आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसमें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। फिर हम उन्हें पाइथन की कोडिंग्स में देखा, विजुअल स्टूडियो के थ्रू हमने इसे आपको करके दिखाया। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, और इफ एल इफ यानी नेस्टेड इफ क्या होता है। इसके बाद हमने फॉर नेस्ट देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखा था, नेस्टेड फॉर देखा था। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज देखे, पैटर्न देखा हमने उसके बाद, और पैटर्न फॉर्मूला देखा, कैरेक्टर फॉर्मूला देखा। बेसिक ऑफ पाइथन आपके इसमें आते हैं। इसके बाद पाइथन आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस में। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हमें नेटवर्किंग बेसिस का पाइथन सीखना था जो स्क्रिप्टिंग के लिए आपको कहीं कहीं यूज़ करना पड़ता है। उतना बेसिक ऑफ पाइथन हमने इसमें देख लिया। अब जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल इसका नेक्स्ट मॉड्यूल हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा लिनक्स। तो लिनक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि ओएस जो है वो तीन तरह का ओएस होता है, SUST, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही यूज़र लॉग इन करता है और एक टास्क कर सकता है। दूसरा था आपका SUMT, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क, जिसमें एक यूज़र लॉग इन करता है लेकिन मल्टीपल टास्क कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल था विंडोज। और तीसरा है MUMT, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, जिसका एग्जाम्पल है लिनक्स। लिनक्स मल्टी यूज़र मल्टी टास्क का एग्जाम्पल क्यों है? तो क्योंकि लिनक्स के अंदर हम एक साथ कई यूज़र्स को लॉग इन करा सकते हैं। इसमें अलग अलग हैं, वो जो है टर्मिनल्स होते हैं जिसमें हम अलग यूज़र को लॉग इन करा के वो अपना सेपरेट टास्क कर सकते हैं। तो अब हम लिनक्स ही शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लॉग इन करने के, यानी कि आपका ये जो लॉग इन सिनेरियो है इसको अगर मैं छोड़ भी दूँ तो और क्या डिफरेंसेस है लिनक्स में और विंडोज़ में। लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोस्टली सर्वर एंड पर यूज़ किया जाता है। क्यों? लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है विंडोज़ से। फिर से क्वेश्चन है क्यों? तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस लिनक्स के साथ जुड़े हुए हैं। मोस्ट पॉपुलर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करें तो आप कहोगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करें तो वो लिनक्स है। तो आपके इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों लिनक्स सिक्योर है, क्यों विंडोज़ जो है वो पॉपुलर है? इन सब की अगर हम बात करें तो विंडोज़ का, अगर आप सब यूज़ कर रहे होगे आपके पर्सनल कंप्यूटर पे विंडोज़ होगा, तो क्यों आपने पर्सनल कंप्यूटर पे विंडोज़ रखा है? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। आपको सारी चीज़ें, जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हो आपको दिख रहा होता है यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे इंटरनेट पे जाना है, यहाँ से गेम जाना है, यानी कि यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है विंडोज़। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कराना, आप पेन ड्राइव लगाते हो, सॉफ्टवेयर उठाया, उसका सेटअप उठाया, चला लिया सब कुछ, यानी कि प्लग एंड प्ले PNP डिवाइसेस को सपोर्ट करता है विंडोज़। दूसरा कारण, आपने पेन ड्राइव लगा लिया, डायरेक्टली ओपन हो गया, आपको किसी ऑथराइजेशन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। दूसरा जो इसका फॉर्मेट है, ये जो फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है FAT NTFS, ये जो फाइल सिस्टम है ये आपका जो है वो थोड़ा सा इजी सेटअप देता है आपको, जिसमें आपको काम करना, वर्किंग करना, कॉन्फ़िगरेशन करना ज़्यादा इजी होता है। और तीसरी चीज़, ये .exe फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जो आपका सबसे इजीएस्ट एग्जीक्यूशन फॉर्मेट है वो .exe है, जो विंडोज़ इसको सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक माइनस पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि इजीएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है .exe फॉर्मेट की, तो इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या जुड़ गई कि इजी है तो कोई भी कर लेगा,
कोई भी कर लेगा, इसका मतलब कि आपको ये सिक्योर नहीं है। इस जितने भी वायरस, वायरस क्या होते हैं, वायरस एक तरह का आपका प्रोग्राम ही है। तो वो प्रोग्राम कॉन्फ़िगर करना, यहाँ पर कोडिंग करना, .exe फॉर्मेट में उसे बना के चलाना, यहाँ पे इजी हो गया। इसीलिए मोस्टली वायरस जो है वो .exe फॉर्मेट में बनते हैं। तो विंडोज़ .exe फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और मोस्टली वायरस जो बनते हैं वो .exe फॉर्मेट में ही बनते हैं। तो वायरस ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है विंडोज़ के अंदर, दैट्स वाई विंडोज़ इज़ नॉट सिक्योर। जितने रीज़न मैंने यहाँ पर दिए वो विंडोज़ को पॉपुलर बनाते हैं, ईजी बनाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी कम करते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। अगर लिनक्स के रेफरेंस में हम बात करें तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले लिनक्स जो है वो यूनिक्स से आया हुआ है, यूनिक्स के ऊपर डेवलप है, और इसे सबसे पहले लिनियस टॉरवाल्स ने डेवलप किया था। लिनियस टॉरवाल्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया था मिनिक्स नाम से, यूनिक्स बेस पर। वो एकदम परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना, और जिस समय वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था उस समय जो सब मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय था, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही था। लेकिन ये बहुत कॉस्टली था, जिसके कारण कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू बहुत हाई थी। लेकिन जैसे ही आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इसे इन्होंने OSS और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह इसे दे दिया, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देने के का बाद इन्होंने इंटरनेट पर फ्रीली दे दिया। कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता था, कोई भी इसे चेंज कर सकता था, ओपन था एडिटिंग के लिए, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबने इसे अपने डाउनलोड कर लिया, अपने हिसाब से चेंज कर लिया और इसे यूज़ करने लगे। तो थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ज़्यादा फैल गया, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं था, सस्ता था, क्योंकि फ्री में आपको मिल रहा था। तो OSS जो है, लिनक्स जो है, ये OSS टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था। दूसरी चीज़ क्या थी, ये सिक्योर भी है। क्यों? क्योंकि ये फैट NTFS की जगह एक डिफरेंट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, .ext2, .ext3, .ext4, .xfs फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। थर्ड थिंग है, ये PNP डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली आप अटैच करके उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, पहले रूट की परमिशन लेनी होती है। जैसे विंडोज़ के अंदर फुल कंट्रोल यूज़र आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, वैसे ही लिनक्स का क्या है, रूट है। तो रूट से परमिशन लीजिए, एक ब्लैंक ड्राइव पर उसे माउंट करिए, तब आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन PNP डिवाइसेस को, अदरवाइज आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योर हो गया लिनक्स, डिफरेंट फाइल सिस्टम है, और .exe फॉर्मेट जिसमें मैक्सिमम आपके वायरस बन रहे थे वो लिनक्स सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है आपके विंडोज़ से। और आपका मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस जो स्टार्ट होता है लिनक्स का, वो यही है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लिनक्स, दैट इज़ MUMT, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क। दूसरा, वाई लिनक्स इज़ मोर सिक्योर देन विंडोज़, व्हाट इज़ द फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। तो हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर हम लिनक्स के ऊपर देखें तो मोस्ट पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रेड हैट। हम रेड हैट के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं, रेड हैट लिनक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे वर्जन्स आए हुए हैं, 7, 8, 9 जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें आपकी 3 बुक्स आती है। अगर आप रेड हैट सर्टिफिकेशन की बात करें तो RSCSA और RSCSE जो होता है, ये आपका होता है रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर और रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। RSCSA में 2 बुक आती है, SA1 और SA2, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2। और RSCE में 3 बुक आती है, SA1, SA2, SA3। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपका जो रेड हैट है वो हम यहाँ पर कम्प्लीटली SA1, SA2 दोनों बुक करेंगे कम्प्लीटली, जिसमें कि जितने तरह के आपके फीचर्स आते हैं, बेसिक ऑपरेट लिनक्स कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे आपका उस पर बेसिक कमांड्स चलती हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, कैसे कम्युनिकेट करता है, और कैसे हम उस पर SSH यूज़ करते हैं, NFS कैसे करते हैं, NFS सर्वर देखेंगे, YUM सर्वर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा लिनक्स के ऊपर।